यूपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से ही बिहार राज्य के अंदर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाती है, जिनमें डिप्टी कलेक्ट्रेट, ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO, सहायक पुलिस अधिकारी यानी DSP, क्षेत्रीय यातायात अधिकारी यानी RTO, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक कमिश्नर, जेल सुपरिटेंडेंट और जिला खाद्य वितरण अधिकारी प्रमुख हैं। इसी कड़ी में बगहा शहर के नरईपुर निवासी स्वर्गीय रामचंद्र शाह की बेटी ने उनका नाम रोशन कर दिया है। निकिता की छोटी बहन और अन्य सदस्यों के सहयोग से उन्हें बेहतर शिक्षा मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि निकिता का चयन BPSC से सहायक अभियोजन अधिकारी यानी APO पद पर हो गया। निकिता की सफलता पर उनके परिजन भी शामिल हुए और आसपास के लोगों में खुशी की लहर है। निकिता जब 4 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में माँ ललिता ने कड़ी मेहनत कर 7 लड़कियों को पाला पोषा। इन 7 बहनों में निकिता 6ठे नंबर पर है। आइए सुनते हैं अपनी सफलता पर निकिता ने क्या कुछ कहा। कैसे पढ़ाई बिता और आज नौकरी पाई है तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और हमें अपनी फैमिली पर एकदम बहुत नाज है और काफी गर्वान्वित महसूस कर रही है। कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ था और कैसे यहाँ तक पहुँची है? मेरा प्रारंभिक पढ़ाई ही नरेपुर से हुआ और मैंने BA LLB किया है मुजफ्फरपुर से SKJ लॉ कॉलेज से। क्या विजन क्या है आगे का? आगे बस जुडिशियरी में जाना है और जिला जज तक विजन है। अब देखिए आगे क्या होता है, ईश्वर के आगे क्या मर्जी है। यहाँ तक पहुँचने में किसका सबसे बड़ा योगदान आपको पहुँचा? मेरी छोटी बहन का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है और मेरी सारी बहनों का योगदान है। अब जुड़ाई लोग लेकिन मेरी छोटी बहन ही यहाँ तक पहुँचाई है हमें। आज जो भी हैं अपनी छोटी बहन की बदौलत और अपनी माँ की और बहनों की बदौलत। जैसा कि आपने सुना कि निकिता ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा शहर के नरईपुर में हुई। इसके बाद निकिता ने लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर से ग्रेजुएशन किया। 5 साल तक BA LLB की पढ़ाई की। इसके बाद छोटी बहन विभा और चचेरे भतीजे की मदद से न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए इलाहाबाद पहुँचे, जहाँ 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2023 में निकिता ने BPSC द्वारा आयोजित IPO में भाग लिया और उसकी परीक्षा पास कर ली। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी छोटी बहन, अपनी माँ, चचेरे भाई भतीजे और रिश्तेदारों को दिया। अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं तो इन स्टेप्स के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। BPSC 2024 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईमेल ID और मोबाइल नंबर के जरिए खुद को BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। सफलतापूर्वक रजिस्टर होने पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के 1 दिन बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेज का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना होगा। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उनसे जुड़े हुए दस्तावेज का स्कैन्ड कॉपी अपलोड करना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज के साथ अभ्यर्थियों को अपना स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अभ्यर्थी अपने यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से BPSC की वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल ले। अगर अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना दस्तावेज BPSC की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वे सभी दस्तावेज की फोटो कॉपी करके बिहार लोक सेवा आयोग के पते पर भेज सकते हैं। ऐसी ही रेल दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय देखते। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।